घर की हालत यह जी कि अंदर का हाल तुम देखते हो, वेहड़े का हाल देख सकते हो, समान का हाल देख सकते हो, छतों का हाल देख सकते हो, किसी वेले भी घर गिरों तैयार हैगा। खाने पीने को कुछ नहीं बचा, पूरा बचा ना कोई भेद बचा, कुछ भी नहीं बचा। कुदरत की करोपी कारण जिहड़ा हड़ पंजाब विच आया हैगा उसके चलते हुए असी उस इलाके खड़े हैं। गोपाल कलोनी जिहड़ी पटियाले दे विच सब तो ज़्यादा डेंजर दे विच आई कलोनी सी। इस कलोनी दे विच 5 तो 6 फुट पानी जिहड़ा हैगा आया सीगा, जिहदे करके लोगों के घर जिहड़े हैगे ने तबाह हो गए ने। जेकर बाहरली तस्वीरां दिखाईए तो इस तरह लोगों का समान हले भी बाहर पिया हैगा बिखरिया होया। जिधर वाल भी ध्यान मारीे तो सारी कलोनी का समान इस तरह बाहर है। तो कुछ घर अजिहे ने जिहड़े हुण जर्जर हो चुके हैं। इस घर दी तुहानू तस्वीरां दिखा दईए कि घर की हालत यह जी कि अंदर का हाल तुम देखते हो, वेहड़े का हाल देख सकते हो, समान का हाल देख सकते हो, छतों का हाल देख सकते हो, दीवारों का हाल देख सकते हो, हरेक पासे जर्जर है, किसी वेले भी घर गिरों तैयार हैगा। इस घर के जायजा लैन वास्ते सरबत का भला ट्रस्ट के जिहड़े मुखी हैगे ने SV सिंह ओबराए इत्थे पहुँच रहे हैं। किन्ना क नुकसान थोड़ा होया हैगा जी? नुकसान तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। खाने पीने को कुछ नहीं बचा जी, ना कोई बिस्तरा बचा, ना कोई बेड बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया। फिलहाल ट्रस्ट दे मुखी आए नो कहंदे घर बनवा के देवांगे। अच्छी बात है, बनवा देंगे, बढ़िया है। सो जिवें SV सिंह ओबराए आंदे ने आपां उहनां दे नाल गलबात करांगे। सो इस आई कुदरती आपदा दे विच जिथे NGOs पंजाब सरकार हरेक उपराला कर रही है लोगों नूं राहत देण दा, उस दे विच सरबत दा भला जो कि लंबे समय तो लोगों की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। जेकर बच्चों की पढ़ाई की गल की जाए, जिहड़े लोग बाहरले देशों में फसे होने उन्होंने इत्थे लियाण की गल की जाए, हरेक काम दे विच पहलकदमी करती है सरबत दा भला। उस चलते हुए अज्ज सरबत दा भला के चेयरमैन जिहड़े हैगे ने SV सिंह ओबराए इत्थे पहुंचे ने, घरां दा जायजा कर रहे हैं। तो किस तरह का जायजा आप गलबात करते हैं उन्होंने? ओबराए साहब, पहले तो तुम जायजा कर रहे हो, पहले ही बहुत काम किए, किस तरह का जायजा की कराया जा रहा है? देखो इस टाइम जरा पटियाले है काफ़ी नुकसान होया हड़ा करके, जरा स्पैशली जी बेल्ट हैगी जी पटियाले शुरू हो, देवगढ़ एरिया सारा हो गया, पातना समाणा हो गया, मानसा हो गया, इसते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका। असं इतने उस खड़े हैं, देखो इतने भी 8-8 फुट पानी से। सो इस तो पहला जनिया पहला स्टैप दूजा स्टैप दिया चलता आ रहा सारा, वो असं किया सारा, चाहे वह किटा सूँ देनी पे, रेडीमेड फूड देना पाया, पानी दोतल देनिया पे सारे एरिए दतिया। उस तो बाद जरा सुक्का राशन देना सी कुछ पिंडा च, जरा जलंधर साइड चल जाओ ना, असी सुल्तानपुर लोधी साइड तो उत्थे पिंडा दे पिंड जड़े वो अज भी पानी च डुबे हुए हैं, और लोग बाहर घर तो आके तो उच्ची जगह पर बैठे उत्थे चुल्हे उन्होंने लाए हुए हैं, उत्थे असी राशन जरा सप्लाई कर रहे हैं। इस बार ज़्यादा लोड जड़ी पई है वो जानवरों के खाने की पई है, तो वो जरूरी सी चारा जरूरी सी, मक्की का अचार वगैरह वो सारा असी तकरीबन 300 टन के करीब असी ऑलरेडी दे चुके हैं। ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਗਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 50-52 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਜ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਚੱਲਣੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ 2-4, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।
ट्रस्ट बड़े वधिया तरीके चल रहा, बड़े लंबे समय चल रहा, देखते हैं हमेशा कभी विदेशों चो नौजवानों की पौड़ी लैके आनी हो, या इतने गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, जिन्हें छत्तां गिरियां, कई स्कूलों की इमारत भी तुम बनाई है, अच्छी काम कर रहे हो। ट्रस्ट को चलाने वास्ते कितना संघर्ष करना पै रहा, क्योंकि जो गल आती है ट्रस्ट की एन जी ओज़ की, लोग प्रश्न भी चकते हैं। देखो सानू कोई मुश्किल नहीं आ रही ट्रस्ट, रीज़न यह है कि जिदा असं ट्रस्ट शुरू किया पटियाले तो अज सा 2002 मैंबर बन चुके हुए, 88 ऑफिस हो चुके हुए, सारे बंदे अच्छे ने और सारे मेहनती है, दिलों सारे सेवा कर रहे हैं, इस करके कोई मुश्किल नहीं आती। थोड़ी जी गल होंगी जिदा हूँ आ जो सारे पासे पानी पुनी आ गया ना जी, तो मैं दुबई बैठे ने एक सिर्फ नोटिस कढ़िया माड़ा जहा, यह हिदायत दित्तियां भाई अपने अपने इलाके संभालो, सारिया सारिया साड़ी टीमां जिहड़ियां वो इलाके चल गईयां, इन्होंने 5-5 फुट पानी में जाके उन्होंने पीने वाला पानी भी वंडिया, उन्होंने राशन भी वंडिया, उन्होंने कुकड फूड जिहड़ा सी वो दिता, ते हुण अगलियां जिहड़ियां सारियां चाहे राशन सी चाहे साडा चारा सी पशुआं दा ये सारा किया उन्होंने, हुण मैडिसिन सारी बन रहे ने वो, सो बड़ा स्मूथ काम चल रहा है, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुण तक किसी किस्म दी। एक जनरल क्वेश्चन छोटा जिहा पुछांगा, अमूमन लोग प्रश्न चकदे ने सरकारां उपर, सरकार अपना काम कर रही है, खैर ठीक है अपनी जगह पर, पहलियां भी कर रही थी हूँ भी कर रही, लेकिन जोड़े ये एरिए ने जिन्हें पानी है जो बिल्कुल नदी नाल कंढे से बने हुए हैं, इन्होंने बनाने कितने कितने सरकार की नाकामी रही है, क्योंकि ये गाइडलाइन तो बाहर बनिया ने। देखो जो इतने भी खड़े हैं या होर भी एरिया देखो ना जी, इलीगल कलोनिया बहुत बन चुकी हुई हैं, जितों की जितों पानी की निकासी होनी है उत्थे तो मकान बनाई बैठे हैं, पानी नूं अगे जाण नूं रस्ता ही है नहीं कितने भी, आ भी जिहड़ा हुण जिहड़ा कारण होया आर्मिस्ट्रेट पानी आया, चोरे आया, थड़ी सारा आया ना पानी, यह क्यों आया क्योंकि पानी अगे निकलने की जगह ही है नहीं सी, ते पानी उत्थों ओवरफ्लो होकर तो पानी ने कितने ना कितने निकलना ही सीगा, सो यह नुकसान जिहड़ी साडियां अपनियां गलतियां करके भी होया, बाकी सरकारां देखो पहलां भी करदियां आईयां, लेकिन हुण इहदे नाल जिहड़ा ज़्यादा अखां खुल्लियां ने सरकार दीआं कि नहीं भी इन्ना नुकसान हो गया इहनूं किस तरह रोक पाई जाए, और मैनूं उम्मीद पूरी है कि बद तो बद सरकार इधर ध्यान देगी, सरकार कर रही है, देखो सरकार अजे एक साल सवा साल होया सारा अच्छे से काम कर रही है और इन्होंने कामों ध्यान है सरकार का, इस बार सरकार करके होया जिहड़ा कि हर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये सानू सारा पिंडा विच नज़र आया जां पानिया विच नज़र आया, डीसी मैं इहो जिहे देखे ने, तरन तारण का डीसी हो गए, चाहे वो तुहाडे फिरोजपुर के डीसी हो गए, ये सारे रात रात तक पिंडा विच रहे, पिंडा के लोगों के नाल ही रहे, सो उन्होंने अपना सारा जिहड़ा फर्ज पूरा अदा किया, इहदे नाल चलो चाहे कोई हैल्प नहीं कर सके उस टाइम उत्ते, लेकिन इन्ना ही पिंडा नूं हौसला सी कि प्रशासन साडे नाल खड़ा है, उदों बाद फिर जिहड़ियां जिन्नियां संस्थावां हैगियां संस्थावां ने पूरा जोर लाया, सरकार अपनी जगह कर रही है लेकिन संस्थावां अपने पासों जिन्ने जोगियां हैगियां सारियां संस्थावां कर रही ने, इस तरह ट्रस्ट वालों हमेशा की जाती, तो ऐतकी भी असं सारे प्रशासन को कहा हुआ सी, साडे सारे जिन्ने डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है इन्हां दीआं मीटिंग साडियां डीसी साहिबान नाल SSP साहिबान नाल होईआं ने, और उन्होंने यही कहा गया कि जो भी काम है जो भी चीज़ चाहिए प्लीज़ सानूं दसो, असी जिन्नी जल्दी होएगा असी पूरी करांगे, और असी सारी पूरियां कीतियां जो जो रिक्वायरमेंट सी गियां। सो तुसी ये सारा कुछ किया तुहाडे तो यह गल्लां तां सुनियां क्योंकि किसी बुद्धिजीवी के मुँह तो जो गल्लां सुन निकलदियां ने तो लोग उन्होंने सुनते हैं, तुहाडी कही हुई गल शायद सरकार तक जाएगी, सरकार होर वधिया एफर्ट करेगी। नहीं बिल्कुल सरकार अगे भी कर रही है और मैनूं उम्मीद है कि होर भी बड़ा अच्छा करेगी। सरदार जसवंत सिंह जी तुसी नाल हो लंबे समय तो ट्रस्ट के सेवा निभा रहे हो, जदों लोगों ने अपने घर बारे दसना होंदा है जां किसी जरूरत बारे दसना होंदा किस तरह की प्रक्रिया हैगी है? देखो साडे कोल बकायदा परफॉर्म बनया होया 4 कलम है, वो असी फार्म देवे हरेक घर जिन्हें जिन्होंने लोड़ है वो फार्म भर के देगा अपने डॉक्यूमेंट नाल लगेगा, फिर सारी टीम मौका वेख के वो फार्म मुताबक जो उन्होंने लिखा है वेरीफाई करेगी, जो जेनुअन उदा हैगा वो पास अबराज साहब तो बिल पास करवा के उसकी रिपेयर करती जाऊगी, किसी नाल कोई पक्षपात वाद कार्ड कुछ नहीं, जो जेनुअन है वो आधार से पहला करते हैं उस आधार से वो किया जाएगा, क्योंकि अबराज साहब आपकी जेब चो पैसे खर्च रहे, एक दो पंजी तो लेंदे नहीं, तो एक बंदा आपकी कमाई नेक कमाई जो 95% दान से ला रहा है वो पैसा घट्टो घट सही जगह जाना चाहिए, सरदार साहब का सारी टीम का इसे जोर लग रही भी वो पैसा व्यर्थ ना जाए। पटियाले किन्ने घर जो है लिस्ट चाहिए हूँ तक? देखो सानू फार्म अजे किसी ने नहीं भर के दिता, हुण पानी पुणी उतरिया है, अज साडी न्यूज़ जाऊगी, लोग दफ्तर आउणगे फार्म भरनगे फिर असी सर्वे करांगे सारा। धन्यवाद जी इस जगह ते आने लई। ठीक थैंक यू जी। सो सरदार SP सिंह ओबराय सीगे जिहड़े इत्थे जायजा करन वास्ते पहुंचे सन, ते करदे आ हुण इक वारी फिर तो तस्वीरां दिखा दईए कि इह ओह घर हैगा जिहदा जायजा लिया गया, इहदे छत भी नहीं हैगी, ते निचली जिहड़ी फर्श दी हाल भी खस्ता हो चुकी है, कंधां भी जिहड़ियां जर्जर हो चुकियां ने, इहदा जायजा लै के गए ने, ते उहनां दा कहिणा कि इस तरह दे होर भी जिहड़े घर हैगे ने उह असीं बणावांगे, ते जिहड़े जिहड़े घरां दी रिपेयर होणी उहदी रिपेयर भी कीती जाऊगी, उहदे नाल ही 7 करोड़ रुपए का ट्रस्ट वालों बजट पास किया गया, जेकर पैसे की कमी हुई तो यह जो ट्रस्ट हैगा उस बजट में वधाएगी भी।
बरहाल की कड़ी लोगों को राहत देने वास्ते एस पी सिंह ओबराई खुद पहुंचे सन ते लोगों के घर का जायजा लेके गए हैं कि घर की रिपेयर की जरूरत है ज बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं उन्होंने घरों को बनाने की गल कही है। तो हूँ तक पंजाब के कई इलाकों के पशुओं का चारा पहुँचा चुके हैं।